हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा फ़ोन डैमेज हो गया था और जिसका फोल्डर टूट गया था और मिडिल फ्रेम भी ख़राब था। तो फ्रेंड्स, हमने मार्केट से ये सब चीज़ें खरीदी थी। तो आज कंप्लीट हम इस वीडियो में इस फ़ोन को रीअसेंबल करेंगे और फ्रेंड्स हमारे फ़ोन को चालू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें इसको रिपेयर करते वक्त यानी फोल्डर चेंज करते वक्त किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें एक ज़रूरत पड़ेगी चिमटी की, क्योंकि हम मिडिल फ्रेम भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें चाहिए फोल्डर और हम इसका सर्किट बोर्ड भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारा ऑडियो और चार्जिंग पोर्ट वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें ग्लास भी लगाएंगे तो हमारे पास ग्लास अवेलेबल है। चिपकाने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास ग्लू भी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके स्क्रू वगैरह जो है हमारे पास सब हैं। और फ्रेंड्स, सब में ज़रूरी बात, हमें चाहिए इसकी रबड़ बैंड। तो जो हमारे पास इसकी रबड़ बैंड भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बालों में लगाने वाली है, हमारे फोल्डर को चिपका के रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक वाइट कलर का पेपर लगाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि हमें सामान इजीली दिख जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम इसकी पूरी चेसिस चेंज करेंगे। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर आप जो ये पट्टी देख रहे हो, इसे हमें रिमूव करना है और इसके स्क्रू खोलने सारे। और फ्रेंड्स, अगर आपका पुराना जो डिस्प्ले लगा हुआ है चेसिस सही है, तो फ्रेंड्स आपको इसको इजीली निकाल लेना है। मेरे पास फ्रेंड्स ये पहले से निकल के गिर गया था, तो इस वजह से मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, निकला हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसकी ये जाली है माइक वाली, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो इसको हम सब सारी निकाल लेंगे धीरे धीरे, और फिर हमें इसको ग्लू की मदद से चिपकाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें ये जगह दी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये ख़राब ना हो, हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। एक मार्केट में हो सकता है फ्रेंड्स ये मिलती हों जालियाँ, पर मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको निकालना है। तो मैं निकाल लेता हूँ और इस पर चिपका लेता हूँ। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स ग्लू है और हमने चारों ये पट्टी निकाल ली है। इस तरीके से आपको चिपका लेना है चारों को चारों। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चारों चिपका ले रहा हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि वीडियो बड़ा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं चारों पट्टी मैंने इस पर चिपका ली हैं और ये चिपक गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है फ्रेंड्स, हमें इसका जो माइक की पत्ती है इसको रिमूव करना है यहाँ से। आप देख सकते हैं ये वाली। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो स्पीकर है बड़ी मुश्किल से निकला और काफ़ी तेज़ चिपका रहता है। तो हमें फ्रेंड्स इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगा कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो बंद हो गई थी। देख सकते हो इसको निकालते वक्त यहाँ पर थोड़ी सी पिन लग गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान से आप निकालें स्पीकर वगैरह, क्योंकि फ्रेंड्स आपका नुकसान हो सकता है। ये पट्टी निकालने में भाई काफ़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। तो पहले हम इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे सावधानी पूर्वक। ठीक है फ्रेंड्स, SMD मशीन हो तो उससे आप इसे गर्म करके इजीली निकाल सकते हो। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से निकल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ से ध्यान से निकाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो एक बार में कैसा बनेगा, सही बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के चक्कर में मैं अपना नुकसान नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको निकाल रहा हूँ शार्प चीज़ से, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी मार्केट में महंगी मिलेंगी ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही ध्यान से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से ये थोड़ी सी डैमेज होने लगी है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, गर्म करके किसी चीज़ की मदद से फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी ये नीचे वाली पत्ती तो आसानी से निकल गई, बस मुझे इसका डर लग रहा है कि ये डैमेज ना हो जाए। तो वही मेन चीज़ है, हम कुछ ब्लेड वगैरह की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फ्रेंड्स ये इजीली और आसानी से निकल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इन सब चीज़ों में यही मेन चीज़ होती हैं।
अगर पूरा फिट भी कर लेंगे फ्रेंड्स और स्विच नहीं चला तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये इजीली निकल रहा है आराम आराम से। तो बस हमें थोड़ा सा हल्के हाथ से इस पर ध्यान रख के निकालना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये निकल गया आधा आधा, थोड़ा सा हमें और निकालना है तो मैं निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब देख सकते हो कितनी शार्प है, इसकी मदद से हमने इसको धीरे धीरे स्लाइड करा और ये पूरा का पूरा उठ के आ गया इस तरह से। यहाँ पर मैंने किसी भी तरह की हॉट एयर गन यूज़ नहीं करी है। तो देख सकते हो सब कुछ चिपका था, यहाँ पर एक कट बना है यही सेम हमें देख के इसमें फ़िट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम रखते हैं और इसको फ़िट करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये जरी में ऐसी चीज़ें घूम जाती हैं। तो ये वाला हिस्सा भाई यहाँ आएगा इस तरीके से। तो पहले मैं इसको चिपका देता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये पत्ती जरी में डैमेज हो जाएगी। तो ये अच्छा पता नहीं ग्लू कैसा है, तो ग्लू यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे जिससे कि आसानी से रिमूव कर सकें। तो ये रहा हमारा पेट। थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे ग्लू, पिनों को साफ करेंगे पहले अच्छे से फिर उसके बाद। तो देख सकते हो इजीली लग गया, बस थोड़े से हमें बटन को चिपका के रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से और एक्स्ट्रा ग्लू को हम साफ कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमने इसका ये माइक वाला एक कवर था ऊपर का, इसको हमने उल्टा करके चिपका दिया। देख सकते हो डस्ट वाला पार्ट ऊपर और अंदर वाला पार्ट साफ वाला इस पार्ट इसके अंदर। बाकी ये सूख जाएगा। तो स्पीकर साफ है फ्रेंड्स, तो पहले हम इसकी जाली को चिपका देंगे कुछ इस तरह से, ये लगी थी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी पे थोड़ी साइड पे ग्लू लगा के हम इसको फिक्स कर देते हैं स्पीकर को। तो ये वाला पार्ट फ्रेंड्स ऊपर था, आप इसके मदरबोर्ड को देख लेना और देखकर लगाना। तो सॉरी मैं ऊपर लगा रहा था, ये नीचे लगेगा इस टाइप से देख सकते हो। तो उल्टे सीधे कंपोनेंट हमें नहीं लगाना, जैसे हमने निकाले वैसे उस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको ग्लू की मदद से चिपका ले रहा हूँ। ग्लू भी फ्रेंड्स हमें ऐसी लगाना पड़ेगी जिससे कि ग्लू इधर उधर ना जाए। और हमारे स्पीकर को ना चिपका दे, तो इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से धीरे आसानी से लगाएंगे और अच्छे से अंदर दबा देंगे जिससे कि फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरह की वो नहीं रहे और हमें अच्छे से साउंड सुनाई दे। तो फ्रेंड्स हमने इतना काम तो अभी कंप्लीट कर लिया है, चलिए मैं इसको सूखने देता हूँ फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसकी बॉडी को तोड़ दिया क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, और इसको अब हम धीरे धीरे निकाल लेंगे क्योंकि ये मैंने पहले फेविक्विक से चिपकाया था। क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हो ये निकल गई पत्ती, और ये वाली बॉडी अब डैमेज हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसके सारे खांचों को साफ़ कर लेंगे जिससे कि हमें साउंड अच्छे से सुनाई दे। क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद अब मुझे अपने फ़ोन में किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसके काफ़ी ज़्यादा खांचे जो हैं उनमें फेविक्विक जम चुका है, तो मैं फेविक्विक साफ़ कर ले रहा हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी जो स्ट्रिप थी अभी हमने इसकी साफ़ कर ली अच्छी तरीके से,
देख सकते हो सारे इसके छेदे हैं जो साफ़ कर लिए। अब इसको हम ग्लू की मदद से चिपका दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ग्लू का ढक्कन बार बार लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये जरी में सूख जाएगी। और दुकान वाले ने कहा है कि इसको खुला मत छोड़ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, हम इसको जरा सी ग्लू की मदद से चिपका ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ एक डंडी दी है जो कि आप इस तरह से इसकी रकीलों पे फैला सकते हो। और एक्स्ट्रा ग्लू आप साफ करते चलें, भाई मैं तो करता चल रहा हूँ। और इसको सीधा उल्टा देख के आप कहीं से भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी जाली है, कुछ इस तरीके से लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई लग गई, पर इसको हमें अच्छे से सुखाना लगाना पड़ेगा नहीं तो ये निकल जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको दबा के रखना पड़ेगा जब तक ये चिपकेगी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वीडियो को बाद में चालू करता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने इतना काम कर लिया, अब हमें इसकी इस वाली पट्टी को निकालना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ध्यान से निकालना पड़ेगी, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें इस काम में क्योंकि ये डैमेज हो सकती है। और एक बार डैमेज हो गई तो फिर आपके अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। तो दोस्तों अच्छे से तरीके से ये निकल गई है, अब इसको हम इस वाले पे इंस्टॉल करेंगे अच्छी तरीके से ग्लू ग्लू करके। फिर मैं लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको अभी हमने लगा लिया है कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स जब हम इस पर रिंगर चिपकाएंगे यानी इसका स्पीकर चिपकाएंगे तो ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। अब हमारा बचा है फ्रेंड्स ये माइक का जाली, तो इसकी जाली को हम रिमूव करते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद हम इस पर चिपकाएंगे फोल्डर। तो माइक की जाली ये रही और ये रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बोलोगे कि भाई रोक रोक के क्यों चला रहा है, तो भाई देखो ये मेरा रिस्की काम है थोड़ा, वो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अब इसमें और पैसे लगाऊं, तो इसलिए भाई मैं वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहा इतना, इसलिए मैं फ़ोन पे ध्यान दे रहा हूँ कि भाई इसके कंपोनेंट मुझसे उखड़े ना और मैं इसको अच्छी तरीके से लगा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बारीक बारीक रबड़ होती हैं देख सकते हो, और गोंद से चिपकी जरी में ये आड़ी टेढ़ी तरीके से टूट जाएंगी।